शाहरुख खान को देख लॉकअप में रो पड़े आर्यन खान। बेटे से मिलने के लिए लेनी पड़ी एनसीबी की परमिशन। आर्यन के लिए बर्गर लेकर पहुंची गौरी खान। क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स पार्टी मामले के चलते एनसीबी की कस्टडी में हैं। इस दौरान गौरी खान को ही ज्यादातर एनसीबी ऑफिस आते जाते देखा गया। ऐसे में अब खबर आ रही है कि किंग खान भी एनसीबी कस्टडी में अपने बेटे से मिलने पहुंचे। ए टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान को अपने बेटे से मिलने के लिए एनसीबी से परमिशन लेनी पड़ी। बताया जा रहा है कि एनसीबी की परमिशन लेकर शाहरुख खान ने कुछ मिनटों के लिए बेटे से मुलाकात की और इस दौरान आर्यन खान इमोशनल हो गए और रोने लगे। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटे के लिए गौरी खान बर्गर लेकर गई थी, लेकिन नियमों के चलते एनसीबी ने उन्हें देने की इजाजत नहीं दी। खबरें थी कि अरेस्ट होने के बाद आर्यन खान के कपड़े घर से भेजे गए हैं, लेकिन खाना वो एनसीबी की मेस से ही खा रहे हैं। वहीं आर्यन ने अपना नेजल स्प्रे घर से मंगवाया था, जिसे रखने की इजाजत दे दी गई है। बता दें कि बीते दिनों रिपोर्ट्स आई थी कि आर्यन ने अपने बयान में बताया था कि उनके पिता काफी बिजी रहते हैं। इस वक्त उनकी 3 फिल्मों की शूटिंग चल रही है। INS की रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन ने कहा था कि शाहरुख इतने बिजी रहते हैं कि कभी कभी उनको भी उनके पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अब आर्यन को मिलने के लिए शाहरुख खान को अपनी शूटिंग छोड़कर एनसीबी से इजाजत लेनी पड़ी है। वेल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए। नीचे कमेंट कीजिए और बॉलीवुड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सर बिल्कुल